तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये फिल्म स्पेशली एडल्ट्स के लिए है, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं जिस वजह से मैं नॉर्मल ऑडियंस के लिए या फिर फैमिली के लिए इस फिल्म को कंसिडर तो नहीं करूँगा कि उनको ये फिल्म देखना चाहिए। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, ये फिल्म स्पेशली एडल्ट्स के लिए है। वैसे भी इस फिल्म का टाइटल है नो लिमिट, और यहाँ पर रोमांस और सेक्स में भी कोई लिमिटेशंस रखी नहीं गई है, वो भी आपको भर भर के देखने को मिलेगा। हाँ, कहीं पर ज़्यादा लगता है और कहीं लगता है कि ज़बरदस्ती का डाला गया है, पर अब जब है तो फिर उसको हम कैसे ही इग्नोर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इंजॉय करना है बोल्ड सीन्स, तो वो तो आपको यहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि सिर्फ उसी वजह से आप फिल्म देखने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो। अब बात करते हैं स्टोरी की, तो इस फिल्म की जो स्टोरी है वो है डाइविंग पे ये फिल्म बेस्ड है, जहाँ पर कॉम्पिटिशन्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से कितने सारे जो लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर जान का खतरा भी बना रहता है और लोग अब सिर्फ एक रिकॉर्ड को पार करने के लिए या फिर एक नया रिकॉर्ड सेट करने के लिए या फिर खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन में जाते हैं ताकि वो जीतें और नया रिकॉर्ड बनाएं और एक तरीके से वो चैम्पियन भी बन जाए। तो आखिर कौन कौन से लोग हैं जो इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और क्या वो ज़िंदा बचेंगे या फिर नहीं, और क्या वो एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे और ख़ुद को चैम्पियन बना भी पाएंगे या फिर नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें इस मूवी में देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको डाइविंग करना पसंद है, अगर नहीं भी है तो अगर आप इस तरीके के टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि क्या क्या सारी चीज़ें होती है, चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन वगैरह और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कैसे वर्क करती हैं, अगर आपको इसको जानना है, वैसे इसमें ज़्यादा डिटेल तो हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हो इन सारी चीज़ों के बारे में जानने में, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म आपके लिए है, खासकर कंटेंट लवर्स जो कि अलग तरीके का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी यूनिक किस्म की फिल्म है, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक पर ज़्यादा फिल्में तो बनती नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि हाल ही के कुछ सालों में ऐसी फिल्में अभी हमें देखने को मिली होंगी या फिर मिल रही हैं। तो ऐसे में जो कंटेंट लवर्स हैं, मुझे लगता है कि रोमांस और ये सेक्स वाला जो पार्ट है जो कि हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जिसकी ज़रूरत नहीं भी थी, लेकिन उसको डालकर फिल्म को थोड़ा इंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की गई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग तो थी ही थी। पर अगर हम ये जो दो टॉपिक है, मतलब ये जो पॉइंट है रोमांस और सेक्स, अगर इसको हम साइड कर दें, तो हाँ, कंटेंट लवर्स के लिए देखा जाए तो ये फिल्म एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी मैं कहूँगा। इंस्पायरिंग मैं इस मूवी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर चैम्पियनशिप वगैरह की भी बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर मेनली ये जो फिल्म है दो कैरेक्टर्स पर फोकस करती है, ठीक है। लेकिन वो जो दो कैरेक्टर्स हैं, देखा जाए तो वो जिस तरीके का काम करते हैं वो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं ना, इनकी जो लाइफ हमें दिखाई गई है वो किसी भी तरीके से इंस्पायर करने वाली तो नहीं है, जैसा ये दोनों कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके का डिसीजन लेते हैं, इनकी जिस तरीके की पर्सनैलिटी है वो कहीं से भी इंस्पायर होने लायक का तो नहीं है। जो मूवी देखेंगे वो समझ जाएंगे, मैं ज़्यादा डिटेल पर यहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ, पर ओवरऑल मुझे ये अच्छी इंटरटेनिंग मूवी लगी है, जिनको बस टाइम पास करना है और जो इस तरीके के टॉपिक में इंटरेस्टेड है या फिर जो कंटेंट लवर है वो इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म में रोमांस और सेक्स के सीन्स ऐड करके, मतलब भर भर के, इस फिल्म को अडल्ट्स के लिए कंफर्टेबल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो शायद फिल्म के राइटर डायरेक्टर को लगा होगा कि शायद ऑडियंस जो है वो इस फिल्म को नहीं देखेगी, तो इसलिए आपकी ज़रूरतों का ख्याल भी यहाँ पर रखा गया है और उसको यहाँ पर देने की, मतलब भरपूर बिना लिमिट के, फिल्म का टाइटल है ना नो लिमिट्स, तो यहाँ पर बिना लिमिट्स के आपको वो सारी चीज़ें पुश करके देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। कभी कभी ज़्यादा लगता है, कभी कभी लगता है कि चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट तो हो रहा है कम से कम। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जिनको इस तरीके के टॉपिक में इंटरेस्टेड है या फिर जो रोमांस और सेक्स इंजॉय करना चाहते हैं, जो कि आपको इसमें कमाल का देखने को मिलेगा, बोल्ड सीन्स आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, तो अगर आपको वो इन्जॉय करना है तब तो ये फिल्म आपके लिए। और तीसरा, कंटेंट लवर, थोड़ी सी अलग तरह की अगर आपको मूवी देखनी है, खासकर इस टाइप की जो मैंने आपको बताया, तभी ये फिल्म आपके लिए है, बाकी ऑडियंस के लिए ये फिल्म नहीं है। इस फिल्म से दूर हो, फैमिली के देखने लायक तो ये फिल्म वैसे भी नहीं है, और बाकी दोस्त यार के साथ चाहो तो अपना टाइम पास कर सकते हो। पर हाँ, जो आप सोच के इस फिल्म को देखने की सोच रहे हो ना, तो उससे हो सकता है कि ये फिल्म आपको बोर कर दे और आपको ये फिल्म थोड़ी सी बकवास भी लग सकती है। तो सिर्फ एक चीज़ के पीछे पढ़कर मूवी देखने जाओगे ना, तो फिर ये फिल्म आपका मतलब बेड़ा गर्क कर देगी, तो उस बात का भी आप ध्यान ज़रूर रखना। हालांकि फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है। फिल्म मुझे ठीक ठाक सी लगी है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं। तो बस टाइम पास करने के लिए और
एंटरटेनमेंट करने के लिए खुद को, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तब ये फिल्म देखने लायक सही फिल्म है। बाकी अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में, मेरे साथ आप कमेंट में शेयर जरूर करना। जोहार।